कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु की बैठक से पहले बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पटना बैठक में शामिल हुए सभी नेता बेंगलुरु आएंगे, हम जो कह रहे हैं वो देखकर बीजेपी घबरा गई है, जो कर रहे हैं उसे बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए भारी दिखावे की कोशिश की जा रही है, बाहरी तौर पर दिखावा किया जा रहा है। हमारे पास जो लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं, ये बात उन्होंने कही। हम अकेले ही काफी हैं, बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, ये बात उन्होंने कही है। कि काफी हो बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे, और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप, वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है, क्या यूं ही बुला रहे सबको, तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं, हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, दो टुकड़े हुए थे, तीन टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो 2024 की सियासत को साधने के लिए दावे चल रहे हैं। महागठबंधन का जो महामेला लग रहा है बेंगलुरु में, वहां पर 26 पार्टियां पहुंच रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उनका कहना है कि जो बीजेपी एनडीए घबराया हुआ है, हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आशीष कुमार सिंह है बेंगलुरु से, मनोज्ञा लोहिवाल कोलकाता से है, प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रौनक कुकड़े मुंबई से हमारे साथ हैं और दीपक रावत दिल्ली से हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके से महागठबंधन के सभी नेता जुड़ रहे हैं, 26 पार्टियां जुड़ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि हमारी एकता एनडीए पर भारी पड़ रही है, कौन कौन से चेहरे पहुंच गए हैं और क्या एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम दल पहुंच रहे हैं, इनमें सबके नेता को प्रधानमंत्री बनना है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, जिनके सबके महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी अपनी ठोके, वो दूसरा विषय है। देखिए, जो एजेंडा आप पूछ रहे हैं, अभी से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो लगातार खबर हम दो दिन से चला रहे हैं, उसी के मुताबिक साझा तौर पर कैसे कैंडिडेट्स उतारे जाएं, सीट शेयरिंग क्या हो, अलायंस का नाम क्या हो, इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्या कोई खाका तैयार किया जा सकता है, एक साझा कार्यक्रम हो इन सभी दलों का, इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। हालांकि केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि कम से कम 2 से 3 बैठकें और लग सकती है इन चीजों को आयरन आउट करने के लिए, ताकि सभी दलों में एक आम सहमति बन सके। जहां तक लीडर्स की आपने बात की, राहुल गांधी आ रहे हैं, मिसेस गांधी आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले कल ज्वाइन करेंगे, सीताराम येचुरी पहले से आ चुके, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, तो तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद होंगे। पटना में जितने लोगों को हमने देखा था उससे ज्यादा पार्टियां आ रही हैं, यहां पर ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, 26 कुल ऑपोजिशन की पार्टीज होंगी। मैं एक बार आपको फिर से पीछे की तस्वीर दिखा देता हूं कि यहां पर नेता यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, डॉक्टर नासिर हुसैन सामने दिख रहे हैं, राज्यसभा के एमपी, तमाम दूसरे नेता सामने पीछे बैठे हुए हैं, होटल के अंदर का प्रेमाइसेस है, और यहीं पर आज शाम को 6 से 8 वो इनफॉर्मल मीटिंग होनी है, और आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर कल सुबह बैठक शुरू होगी 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तकरीबन 4 बजे के आसपास वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें फिर ये बातें रखी जाएंगी कि आखिरकार इन बैठकों का निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये दिखाया भी जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब साथ हैं और ऐसा ही रहने वाला है आने वाले चुनाव तक भी, लेकिन वाकई में ऐसा है क्या? मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, जो दिख रहा है या फिर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, वाकई में ऐसा है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मसले हैं जिनमें ये तमाम दल आपस में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, अब जो एकजुटता यहाँ पर उभर रही है वो रहेगी चुनाव तक? देखिए, राजनीति में एक बहुत बड़ा शब्द होता है ऑप्टिक्स, और ये पूरा अपोजिशन जानता है कि अगर ऑप्टिक्स सही नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स भी सही नहीं होगी। लेकिन ऑप्टिक्स में ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि लगातार सारे दलों को एक साथ एक मंच पर हंसमुख होकर दिखना पड़ेगा। पिछली बार जिस तरह से फायरवर्क्स हुए थे पटना में, अगर वो दोबारा हो गए बेंगलुरु में, जबकि पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आ रहा है, आवाज उठ रही है बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को हटाने की पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में क्या सब एक साथ वोट शेयरिंग पे आ पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट्स के साथ अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई है उस पर सवालिया निशान लगे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के पास इस समय बहुत बड़ी संख्या है,
जहां तक आप राज्य की बात करें या राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, लेकिन क्या इस संख्या के आधार पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जा सकेगा? क्योंकि बंगाल के सारे नेता पुरजोर विपक्ष में खड़े हुए हैं ये कहकर कि टीएमसी के साथ एक मंच पर नजर नहीं आएंगे। तृणमूल कांग्रेस की खुद की चुनौतियां हैं कि वहां मोर्चा के साथ एक मंच पर नहीं नजर आएंगे, नहीं तो राज्य की राजनीति खराब हो जाएगी। अब राज्य की राजनीति से लेकर देश में राज करने की राजनीति में किस तरह से ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है जिसमें सबको साथ भी आना है और साथ दिखना भी है पर साथ रहने की चुनौतियों का सामना करना भी। चुनौतियां भी हैं और चुनौतियों के साथ शर्तें भी सबकी अपनी अपनी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।